नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो बहुत ही ज्यादा बच्चों का सवाल था कि मैम पढ़ते वक्त हमको नींद आता है, हम नींद को कैसे भगाएं। अब हम कहोगे कि बाकी टीचर्स की तरह आपको मोटिवेट कर दे बड़ा बड़ा लाइन, तुम्हें नींद कैसे आ सकता है, तुम कैसे सो सकते हो, तुम्हारे आंखों में माँ बाप का सपना नहीं है, इतना बड़ा बड़ा लाइन। भैया हम खुद भी छोटे हैं और आप भी छोटे हो, हमें पता है ये लाइन्स असर तो करेंगी लेकिन थोड़े देर के लिए, फिर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ तरीके बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, नींद को छू मंतर कर सकते हो। बिल्कुल, तो हमें आपकी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम इसीलिए बायोलॉजी के ही कुछ टिप्स देंगे जिसको हर बच्चा फॉलो करके नींद को भगा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि पढ़ाई करते वक्त जो नींद आता है ना उससे बच सकते हो। तो क्या सभी लोग तैयार है? एक बार यस मैम तो कमेंट में लिख दो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो। तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत, सुबह क्लास लेते हैं, दोपहर में आपको वीडियो देते हैं, शाम को आपको एक्स्ट्रा वीडियोस देते हैं, कितना काम कराओगे बेचारी नींदी मैम से, हाँ कितना मेहनत करवाओगे। तो मेरी मेहनत को देखते हुए लाइक करिए और जल्दी से आ जाइए। जानते हैं कि पढ़ाई करते समय नींद आए तो हम क्या क्या चीजें फॉलो करके नींद को भगा सकते हैं। तो कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं विद्यार्थियों की इसी समस्या का हल निकालने के लिए। इस वीडियो में 8 ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रभावशाली नहीं, ठीक है, ये केवल आप पर कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि एक लंबे समय के लिए आपको जगाए रखने में मदद करेगा, एक लंबे समय तक अपने रूटीन को बनाए रखने में मदद करने के लिए बोल सकते कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते टिप नंबर 1 से। नंबर 1, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी टेबल लैंप वगैरह जलाकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ छोटा सा एक कोना में आपको लाइट मिल जाएगा, आपको पढ़ना है, उसमें भी बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना ये आपकी पहली गलती है। अगर आप भी पढ़ाई करते वक्त कम रोशनी का इस्तेमाल करते हो तो अभी से बंद कर दीजिए। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एक स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कमरे के बाकी हिस्से में तकरीबन अंधेरा होता है, और आपको पता है कि मध्यम सी रोशनी, ठीक है, जब हमको अंधेरा, आप कभी नोटिस की हो, आप कभी देखना जब रात में सोते हो लाइट जैसे ही बंद होता है आपको नींद लगने लगता है, ठीक है, हमेशा ज्यादातर आप दोपहर में क्यों नहीं सो पाते हो, दोपहर में आपको कहा जाए सूरज का रोशनी है और सोने को कहा जाए, आप कभी नहीं सो पाओगे, वहीं पर अगर अंधेरा कर दिया जाए तो आप तुरंत क्या होते हो, तुरंत सो जाते हो। रीजन क्या है कि जब अंधेरा होता है तो हमारी यहाँ पर एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है और वो नींद के लिए जिम्मेदार होती है, वो आपके शरीर को क्या बोलेगी, अब आराम का समय हो रहा है, आपकी मांसपेशियां स्थिर होने लगेंगी, वो आराम करने के लिए खोजने लगेंगी, जिसके वजह से आपको नींद आएगा। तो अगर आप नींद से बचना चाहते हो तो सबसे पहला चीज है कि कम लाइट का इस्तेमाल बंद करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लाइट जलाकर पढ़े, रोशनी ज्यादा जाए और रोशनी सीधे आपके किताबों पर और आपके आंखों पर पड़ना चाहिए, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो जागरूक रहे, एक्टिव रहे, उसको लगना चाहिए कि अभी समय सोने का नहीं, अभी समय पढ़ने का है। दूसरा, सेकेंड, आपका बेड पर लेट कर पढ़ने से बचे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते वक्त वो सो कर पढ़ते हैं, उनको लगता है आराम से पढ़ना है, तो जब आप बेड पर सो कर पढ़ोगे तो उस दौरान क्या होगा, बेड पर लेट कर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आपको आलस आ सकता है जो कि नींद को आमंत्रित करता है। पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी पर बैठकर सही ढंग से पढ़ें। एक अच्छा स्टूडेंट, जब जितने भी टॉपर से आप देखना वो लोग हमेशा स्टडी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब जरूरी नहीं कि स्टडी टेबल का मतलब आप जाओ मम्मी से, नहीं हमको टेबल चाहिए, ऐसा वाला नहीं, आप कुर्सी पर आराम से बैठकर पढ़ो, लेकिन कोशिश करिए कि आपका पोजीशन जो होता है वो बैठने वाला होना चाहिए, लेटने वाला नहीं। लेट कर पढ़ते हो तो आज से ही बंद कर दो। तीसरा टिप नंबर 3, अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान। आप लोग कई बार नोटिस क्यों, जब ढेर सारा खा पी लो, ठीक है, तो खाने पीने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका शरीर आराम मांगेगा,
ठीक है, खाने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा खाकर कभी पढ़ने ना बैठे, या तो आप थोड़ा मात्रा में खाना खाओ, नाश्ता करो, फिर पढ़ने बैठिए, या फिर खाना खाने के बाद क्या होता है, समय तुरंत आराम करने वाला होता है, तो आप आराम कर लो, थोड़ी देर बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करना। लेकिन खाना खाकर तुरंत आपको पढ़ने नहीं बैठना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके शरीर में भारीपन, सुस्ती और आपको नींद आने लगती है, जो कि शरीर में शुरू होने वाली पाचन प्रक्रिया के वजह से होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कम खाएं, 3 बार खाने की बजाय दिन में 5 बार खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथा टिप से भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा फायदा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते वक्त पानी नहीं पीते, आपको पढ़ते वक्त पानी पीना चाहिए। देखो, पानी पियोगे तो आपको क्या होगा, जब ज्यादा पानी पियोगे तो कहोगे मैम टॉयलेट लग जाएगा, तो ये तो बढ़िया है ना, ठीक है, बढ़िया है, टॉयलेट लगेगा, आप उठोगे, आपका शरीर क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर आपका मन इधर उधर भी जा रहा होगा ना, तुरंत पानी गटक लो, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको टॉयलेट लगेगा, आप जाओ आराम से करके आओ, मूड फ्रेश, फिर आकर पढ़ने बैठ जाओ, फिर पानी पियो, फिर पढ़ाई करते रहो, फिर आपको जब ऐसा लगेगा शरीर थक रहा है ना, तुरंत जाइए टॉयलेट करके चले आओ, सिंपल है भैया, ठीक है। बायोलॉजी की टीचर हैं हम, तो हमको तो भैया सब चीजों पे बात करना होगा, खुलकर बात करना होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ आ रहा कुछ नहीं किया जा सकता। तो चौथा टिप से कि पढ़ाई करते वक्त पानी का ज्यादा उपयोग करें, पानी पीकर पढ़ते रहोगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट टिप से जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन बनाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमको रात में पढ़ना पसंद है, वो रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए सुबह में जल्दी उठ के पढ़ाई करो, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय चीजें आप जो भी याद करोगे ना वो बहुत जल्दी याद होती है। और रात को जल्दी सोइए, जल्दी सोने का मतलब ये नहीं कि 8 बजे सो जाए, मतलब 10 बजे तक आप आराम से सोइए, भरपूर नींद लीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। अगर आप ढंग से नहीं सोओगे तो शरीर क्या होगा, शरीर में कमजोरी, आलसपना रहेगा, ज्यादा पढ़ने का फायदा ही क्या, ठीक है। आप 10 घंटा पढ़ो और 10 में से 2 घंटा भी बेनिफिट है ये नहीं, तो फिर फायदा क्या, इससे अच्छा 2 घंटा पढ़िए, लेकिन अपने शरीर को इस तरीके से तैयार रखो कि वो 2 घंटे में आप जो कुछ भी पढ़ो वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो इस टिप को जरूर फॉलो करिए। क्या करना है आपको, आपने अंग्रेजी का एक कहावत भी सुना है, कौन सा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोना जल्दी उठना आपको क्या करता है, हेल्दी बनाएगा, वेल्दी बनाएगा और वाइस यानी बुद्धिमान बनाएगा, जिसका मतलब है कि जल्दी सोना जल्दी उठने से शारीरिक तंदुरुस्ती, समृद्धि व दिमागी शक्ति में बढ़ावा मिलता है। तो विद्यार्थी जीवन में इस कथन का उतना ही महत्व है जितना एक आम आदमी के जीवन में है। तो रात को जल्दी सोने से आप पर्याप्त नींद ले सकते हैं, जिससे आप सुबह जल्दी तरोताजा उठेंगे और फ्रेश माइंड से चीजों को याद रखने में आपको मदद मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, छठा, दोपहर के बाद एक छोटी झपकी जरूरी है। देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं, दोपहर में नहीं सोते, वो कहते हैं मैम हमको दोपहर में नींद नहीं लगता। दोपहर में नींद लेना बहुत जरूरी है, हम नहीं कह रहे 2 घंटा सो, 1 घंटे का ही नींद आप अगर दोपहर में ले लेते हो ना, तो आपका जो उठने के बाद जो आपके अंदर होगा ना एक्टिवनेस, वो आपको डेली से ज्यादा मिलेगा। तो हर बच्चा दोपहर में एक छोटा नींद जरूर ले, और जब आप उठो तो फ्रेश माइंड के साथ उठोगे, ताकि आप अपना आगे का जो रूटीन है उसको फॉलो कर पाओगे। और अगर दोपहर में नहीं सोओगे ना, तो शाम में शाम होते होते आपके अंदर कमजोरी, आलसपना, थकान आपको महसूस होने लगेगा, आपका शरीर पहले की तुलना में कमजोर हो जाएगा, नई चीजें नहीं कर पाओगे, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। जब सोकर उठोगे तो एक्टिव माइंड रहेगा, तो आप नई नई चीजें करने के बारे में सोचोगे, नई चीजें पढ़ने के बारे में सोचोगे। आइए अगला सातवां टिप से रात के समय पढ़ने के लिए चुने अपना पसंदीदा विषय, यानी रात के समय पढ़ने के लिए सिर्फ वही विषय चुने जो आपका फेवरेट है और जिन्हें आप आसानी से समझ व याद कर सकते हैं। सरल विषय टॉपिक्स को रात में याद करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको बोरियत भी नहीं होगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। बहुत बच्चे रात को जो पढ़ते, रात में अगर आप हार्ड सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, मन उब जाएगा, नींद लगने लगेगा, होगा कि अरे छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। तो रात में कोशिश करिए जो आपको पसंद है, जो पसंदीदा सब्जेक्ट है, आप उसको लेकर बैठो, उसमें भी वो टॉपिक लेकर बैठो जिसको करने में आपको मजा आता है। तो आपको इससे क्या होगा, नींद भी नहीं आएगा, मजे के साथ भी पढ़ाई करोगे, आलस भी नहीं आएगा और नई चीजें भी सीख जाओगे। तो रात में कोशिश करिए कि जो इजी टॉपिक्स होते हैं, पसंदीदा सब्जेक्ट होते हैं, उनको ही पढ़े।
और आज का आठवां लास्ट टिप जिसको जरूर फॉलो करिए बोल बोल कर तथा लिख कर, ठीक है। ये टिप बहुत बड़ी, इसको हमने खुद भी फॉलो किया जो बहुत बहुत ज्यादा मेरे लिए यूजफुल रहा, कि आप चीजों को ना, अगर आपको नींद लग रहा है, कोशिश करो कि खड़े होकर जब याद करते हो, लिखने वाला काम बैठ कर कर लो, लेकिन जब आप चीजों को याद कर रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नियम याद कर रहे हो, कुछ भी याद कर रहे हो, तो चल कर याद करो। जब आप चलोगे तो कभी भी कोई ऐसा इंसान कोई बताओ जो चलते चलते सूत जाए, नहीं सो सकते। आप कोशिश करिए चल कर पढ़े, ठीक है। जब भी याद करिए, याद करते वक्त चलने की कोशिश करिए। दूसरा, बोल बोल कर पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते लेकर बैठ, पता नहीं क्या पढ़ रहे, पता ही नहीं चल रहा, अगल बगल वालों को भी पता नहीं चल रहा, तो कम से कम बोल बोल कर पढ़ोगे, सबको पता चलेगा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। और बोल बोल कर पढ़ने से नींद भी नहीं आता है, माइंड भी एक्टिव रहता है, और हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, जो आपको क्या करेंगे, एक्टिव रखने में मदद करेंगे, खुश रखने में मदद करेंगे। तो कोशिश करिए कि बोल बोल कर पढ़ाई करें, और जब आप लिखने बैठो जो चीज याद हो जाए, ठीक है, याद होने के बाद तुरंत उन चीजों को लिखो। लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। कई बार होता है जब चीजों को याद करते हो ना तो आपको नींद आने लगेगा, लेकिन जब आप चीजों को लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। तो कोशिश करिए कि जो भी चीज आप याद करते हो उसे तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, नोट करो, ताकि नींद भी ना आए और वो चीजें हमेशा के लिए आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, और आपको भी पता चल जाए कि आज आपने क्या क्या याद किया। तो ये थे हमारे टोटल 8 टिप्स, जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, पढ़ते वक्त नींद से बच सकते हो, नींद को भगा सकते हो। तो अगर पसंद आया तो बहुत बढ़िया, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और याद रखना, लक्ष्य, अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो जितने भी परेशानियां है वो सिर्फ तुच्छ, एक तुच्छ के बराबर होंगी, ठीक है। पढ़ने के लिए एक रीजन काफी है और ना पढ़ने के लिए 10 बहाने। तो अब आप सोचो कि आपके पास पढ़ने के लिए कौन सा रीजन है। एक बार जरूर हम इतना कहेंगे, अपने माँ बाप को देख लेना, ठीक है, उनके जब आपको नींद लगे ना तो उनका चेहरा अपने आंखों में बसा लेना कि क्या चाहते हो, वो जीवन भर वैसे ही रहे या उनको आप आगे खुश होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे बाप, मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप हमसे खुश रहे, तो उनके लिए आपको मेहनत करना होगा, उनके लिए आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने के लिए नींद, चैन, खुशी, दुख, इन सब चीज को आपको त्यागना होगा। तो सोचो कि क्या आप इन सभी को त्यागने के लिए तैयार हो। अगर आप नींद नहीं त्याग सकते ना, तो जीवन में फिर माँ बाप की खुशियों के बारे में मत सोचो, ठीक है, फिर छोड़ दो। जैसे वो लोग चल रहे हैं चलेंगे, ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा यहीं पर। लेकिन आप चाहते हो कि उनके चेहरे पर स्माइल हो, उनके उनके कहा जाता है ना, वो माँ बाप बोलते ना कि हम गर्व से सीना चौड़ा करके चलना चाहते कि ये मेरा बेटा है। अगर आप चाहते हो कि आपके पिता भी उसी प्राउड के साथ आपके लिए बोले, तो फिर नींद को त्यागना होगा। और बाकी कैसे त्यागना है हमने टिप्स बताए, इनको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।